बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हुई मक्कारी। कोई न समझे यहाँ पे यारो हम सब की लाचारी, क्या बतलाएं तुमको यारो आज के सत्ताधारी। छोटे मुठे वादे करते जैसे कोई मदारी। जनता बदलाव के मूड में है और आज रैली हमारी 21 नंबर वार्ड पे ख़त्म हुई और मैं खुद गली गली में चला। आज गली का जो हालत देखा मैंने, मैं तो परेशान हूँ क्योंकि जिनकी राज्य में सरकार है, इंद्र में शंकर सरकार है, वो ऐसी हालत है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हम गए तो सब लोग पब्लिक ही, माता जी लोग सब बोल रही थी कि सब ऐसे 5 साल में हाथ आके जोड़ते हैं और फिर जीतने के बाद कोई आते नहीं वापस, और दवाखाने का प्रॉब्लम है यहाँ पे, रोड पानी। बारिश ख़त्म हो गया तो भी सारी गलियों में कीचड़ था, चलने जैसा कुछ था नहीं। तो ये सब अगर मैं आता हूँ इंशाल्लाह, पब्लिक को भी जनताओं को भी मैं भरोसा दे के आया हूँ, और इंशाल्लाह अगर मैं जीत के आता हूँ तो ये सब समस्याओं में मैं काम करूँगा। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ ही हूँ, ज़मीन से ही हूँ मैं, छोटा मोटा आदमी हूँ, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा। और सोशल वर्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब किसी का हेल्प करना, कोई भी हेल्प, वो मेडिकल हो, हेल्थ हो, शादी ब्याह हो, मैयत हो, कोई भी चीज़ में काम करता हूँ। आपकी राजनीति में शुरुआत किससे हुई थी और किसे आप अपना आदर्श मानते हैं? राजनीति शुरुआत ऐसी हुई कि मैं जैसे कि कोई हॉस्पिटल में गया तो किसी डीन के साथ बात करना होता तो बात नहीं करते जल्दी से, तो किसी एमएलए को या किसी नगर सेवक को फ़ोन करता हूँ, फिर वो फ़ोन वहाँ पे लगाते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, भी है कभी नहीं भी होता है। तो मैं सोचा कि जब मैं ऐसा, मेरे को मतलब मुझे इतना यही चीज़ में मुझे मज़ा आता है, तो मैं इलेक्शन खुद लड़ूँगा और खुद पावर अपने पास रख के काम करूँगा जनता के लिए। उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं। माँ बहन जी का जो स्टाइल है, जो उनका काम करने का तरीका है, देखो ना, जब जब वो उत्तर भारत में मुख्यमंत्री बनी, क्राइम खत्म हो जाता है वहाँ पे, चोर बदमाश सब छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। आप इस विधानसभा में आपको लगता है कि जिस तरह से क्राइम है आपको भी खत्म करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हर घर पे नशे का मुल्तान एक जन शिकार है, हर घर पे। 3 भाई है, 2 भाई है तो 1 भाई नशा कर रहा है, काम धंधा करता नहीं है, नशे का व्यापार खुलेआम चलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 मुद्दे पे मैं जोरों शोरों में काम करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे नशा मुक्त करवाऊँगा, हॉस्पिटल का एक प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम विधानसभा में आवाज़ निकालूँगा उसके लिए, और रोड गटर ये सब तो समस्या है ही झोपड़पट्टी में। अभी SRA भी आ गया है, वो तो यहाँ के MLA नगर सेवक समझो बेची डाले हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।